हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ओसी की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी है। जी हाँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का जो इसका पहला प्रीवियस पेपर इंग्लिश का है वो बहुत अच्छा गया होगा, आपने उसकी तैयारी बहुत अच्छे से की थी। अब बारी आती है ओसीएम की, जहाँ पर हमें अपनी पूरी जान लगा देनी है ओसी की प्रिपरेशन करने के लिए। तो माय डियर सर, ओसी की प्रिपरेशन करने के लिए आपके पास कितना समय है? सर आज 4 तारीख है और हमारा पेपर 9 तारीख को है, तो इसके दरमियान हमें अपनी प्रिपरेशन किस तरीके से करनी, सर हम लोग इसके ऊपर डिटेल प्लानिंग करने वाले हैं। माय डियर, अगर आप एडवाइस मानोगे तो सबसे पहले आज 4 तारीख है, तो 4 मार्च के दिन इवनिंग 2022 खत्म होने से पहले अगर 20 मार्क के आपने ऑब्जेक्टिव अच्छे से कर लिए ना, तो बहुत ज्यादा आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा। सर व्हाई ऑब्जेक्टिव फर्स्ट? भाई साहब, ऑब्जेक्टिव इज नॉट अ फॉर्मेलिटी, इट शुड बी अ प्रायोरिटी। आपके लिए ऑब्जेक्टिव्स कोई फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए, ये आपके लिए एक प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि ये आपको पूरे 20 मार्क दिला सकते हैं। और 20 में 20 अगर आपका आज कंफर्म हो गया, क्योंकि सर क्यों ऑब्जेक्टिव से आप स्टार्ट करने के लिए कह रहे हैं, हमें पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा समय बचा हुआ है, तो सर आप ऑब्जेक्टिव से ही क्यों शुरू करने बोल रहे हो? माय डियर स्टूडेंट्स, आज आप पिछले 2 दिनों से स्ट्रेस में थे, आज एग्जाम देकर आए हो, तो आपका अब सुबह से जो ब्रेन स्टॉर्म ज्यादा हो चुका है, आप बहुत ज्यादा दिमाग लगा चुके, बहुत ज्यादा डेडिकेशन के साथ आपने पेपर देकर आए, उसके बाद आपके दिमाग को कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन की जरूरत है। अगर वो रिलैक्सेशन मिल गया ना, तो अब रिलैक्सेशन भी जरूरी है और प्रिपरेशन भी जरूरी है, तो रिलैक्सेशन और प्रिपरेशन दोनों को बैलेंस करने के लिए मैं कह रहा हूं कि सबसे पहले 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव्स को अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लो, क्योंकि ये 20 मार्क्स आज आपके कंफर्म हो जाने चाहिए, जिससे रिलेटेड अभी डिटेल वीडियो अभी लेकर आने वाला ऑब्जेक्टिव्स की प्रैक्टिस के लिए लाइव सेशंस में लेने की कोशिश करूंगा या आपको रिकॉर्डेड सेशन। तो लेकिन ज्यादातर बच्चे मुझे मैसेज करें सर लाइव सेशन लेके तो ज्यादा बेटर होगा। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कुछ और चीजों पर कि अगर आप 4 तारीख का यानी आज 4 तारीख खत्म होने से पहले अगर आपने ऑब्जेक्टिव कर लिया, तो कहीं ना कहीं आपके लिए फायदे का सौदा हो सकता है। उसके बाद 5 मार्च को आपको क्या करना है? सर 5 मार्च को हम क्या करेंगे? माय डियर 5 मार्च को आप 3 चीजें करोगे। सर क्या? सबसे पहले आप डिफाइन करोगे। सर डिफाइन करने की जरूरत है क्या? बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप डिस्टिंग्विश करोगे ना, तो वो डिस्टिंग्विश कहीं ना कहीं आपको डिफाइन में भी मदद करेगा। तो आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन से आप शुरू करो, और एज यू नो डिस्टिंग्विश आर लिमिटेड, यानी सबसे पहले आप क्या करोगे, चैप्टर नंबर 7 से चालू करोगे। यस सर, चैप्टर नंबर 7 में कौन सा डिस्टिंग्विश आपको आने के चांसेस है? सर तो चैप्टर नंबर 7 में आपको पता है कि स्टेट कमीशन वर्सेस नेशनल कमीशन वर्सेस डिस्ट्रिक्ट फोरम का क्वेश्चन पहले शुरू कर दो, ठीक है? उसके बाद ये चैप्टर होने के बाद, ये सारी चीजें होने के बाद, आप इस चैप्टर का डिस्टिंग्विश होने का चैप्टर नंबर 2 के डिस्टिंग्विश पर आ जाइए, जहां पर आपको कंफर्म है कि प्लानिंग के ऑप्शन में कोई तो एक डिस्टिंग्विश आपको वहां पर चैप्टर में देखने के लिए मिलेगा। तो मेरा एडवाइस ये रहेगा कि अगर आपने एक दिन प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग कर ले, तो दूसरे दिन स्टाफिंग और ये, तो और जो भी क्वेश्चन करोगे वो क्या करना है आपको, आपको पॉइंट वाइज सेम रखना है, यानी अगर किसी और के साथ भी कोलैबोरेट करके वो क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो आपका 5 मार्क वहां पर कंफर्म हो जाना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आपको चैप्टर नंबर 4 के डिस्टिंग्विश पर भी फोकस करना है, क्योंकि ये तो क्वेश्चंस आने ही वाले हैं, ये आपको कंफर्म है। तो इस तरीके से आपके जो 12 मार्क के डिस्टिंग्विश यहाँ पर क्या होने वाले, कंफर्म हो जाने चाहिए। और अगर आपने ये कर लिया, तो आपको कहीं ना कहीं डिफाइन में भी मदद मिलेगी, और माई डियर आपको जस्टिफाई में भी मदद मिलने वाली है। जस्टिफाई के क्वेश्चंस भी मैं यहाँ पर सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, लेकिन कभी कभी आप लोग जो चीजें करनी होती है वो प्रॉपर तरीके से नहीं करते, एग्जीक्यूशन में कहीं ना कहीं गलतियां हो सकती है, तो वो सारी चीज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप डिफाइन कर लोगे, तो सर डिफाइन करने पर मुझे कितने मार्क्स मिलेंगे? सर 6 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद डिस्टिंग्विश बिटवीन पर कितने मार्क मिलेंगे? 12 मार्क मिलेंगे। और सर बाकी के जो 8 मार्क है वो मेरे को जस्टिफिकेशन पे मिल जाने वाले हैं। तो टोटल यहाँ पर मुझे कितने मार्क्स मिलेंगे सर? तो यहाँ पर टोटल आपको 12 8 यानी टोटल 26 मार्क्स। पहले दिन आपने 20 मार्क की प्रिपरेशन की, सेकेंड डे आपने 26 मार्क की प्रिपरेशन की, दैट इज 46 आपका रेडी हो गया। और बेटा 6 मार्च को क्या होने वाला है? तो सर 6 मार्च के दिन क्या करना है? तो माय डियर मैं यहाँ पर लेकर आने वाला हूँ महा रिवीजन।
यस माय डियर, मैं यहां पर आपको डिस्कस करने वाला हूं सारे चैप्टर महा रिविजन पूरा उसी एक लेक्चर के अंदर, और ये सेशन होने वाला है लाइव लेक्चर। यस माय डियर, इसकी डिटेल शेड्यूलिंग अनाउंस की जाएगी डिटेल्ड में, ठीक है। आपको सारी चीजें डिटेल यहां पर मिल जाएगी, पूरा महा रिविजन का शेड्यूल मिल जाएगा, और आप सभी को एडवांस में मैं उसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, ताकि आप वो पीडीएफ को साथ में लेकर बैठोगे तो आपको बहुत ज्यादा चीजें समझ में आने वाली है। तो ये 6 तारीख को हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, महा रिविजन लेने वाले हैं, और उसके बाद आपको सर 7 मार्च को क्या करना है, 7 मार्च 2022 के दिन महा रिविजन में जितने भी क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए होंगे, वो लॉन्ग आंसर्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो लॉन्ग आंसर्स आपको यहाँ पर कर लेने हैं, और 8 मार्च को आपको यहाँ पर रिवीजन करना है। रिवीजन के साथ आप यहाँ पर केस स्टडी इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ऐसी मैं उम्मीद कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर मैक्सिमम से मैक्सिमम चीजें करवाने की कोशिश करूंगा, अपने चैनल पर आपको लाइव लेक्चर्स भी प्रोवाइड करूंगा, एज वेल एज रिकॉर्डेड लेक्चर भी मैं प्रोवाइड करूंगा, ताकि आपका 1 मिनट भी जाया होना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका 1 मिनट भी वेस्ट हो। साथ ही साथ बहुत से बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, सर हमारे पास प्रॉपर स्टडी मटेरियल अवेलेबल नहीं है। तो माय डियर, मैं आपको अश्योरिटी दे रहा हूँ कि आज रात तक या कल मॉर्निंग में जो आपको 8 बजे वीडियो मिलेगा, उसके पहले आपके स्टडी मटेरियल मैं आपको पिन कर दूंगा, आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, वेबसाइट पर अपडेट कर दूंगा, ताकि आप उसको इजीली देख सके और उसका बेनिफिट उठा सके। ये स्टडी मटेरियल जो होगा वो आपके एक्सरसाइज बेस्ड सॉल्यूशन, यानी उसके अंदर ऑब्जेक्टिव्स भी होने वाले हैं और बाकी सारी चीजें भी होने वाली है, ठीक है। तो क्योंकि आपको भी पता है जिस तरीके का इंग्लिश का कंटेंट हमने प्रोवाइड किया था, दिनेश सर ने महा रिविजन सेशन लिया था, उसी तरीके का प्यार और सपोर्ट आप लोग भी मुझे दिखाओगे, ऐसी मैं उम्मीद कर सकता हूँ। और आपके लिए सारी चीजें आपके दरवाजे तक, आपके फोन तक लेकर आने की हम कोशिश करेंगे, बशर्ते अगर आपने कुछ भी पढ़ाई नहीं की है, तो जो भी वीडियोस इस चैनल के माध्यम से आने की कोशिश करेंगे उसको प्रॉपर तरीके से करो, ताकि आपको कोई भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगर आप मेरी बात करो तो मेरा कम से कम 12 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस से ज्यादा 12th की बैच मैंने तकरीबन 12 से 13 12th की बैच मैंने ऑलरेडी पढ़ा दी है, तो मेरे पास 12 से 13 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, और ये छोटा सा टीचिंग एक्सपीरियंस बहुत होता है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो यूट्यूब पर आप सर्च करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ आशीष सर, तो वहां पर आपको पता चलेगा कि पिछले 3 से 4 सालों में मैंने जो जो क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं महाराष्ट्र बोर्ड की तरफ, वो सारे क्वेश्चंस वहां पर आते हैं या नहीं आते, वो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। तो आपको यहाँ पर सिर्फ करना क्या है, जो भी वीडियोस मैं यहाँ पर प्रोवाइड करूंगा वो वीडियोस को सिर्फ क्या करना, प्रॉपर तरीका तक फॉलो करना है और अपने दोस्तों में शेयर करना, ताकि उनका भी उतना एडवांटेज उनको मिलना चाहिए, ठीक है। बस आप यही गुजारिश है कि ये स्ट्रैटेजी जो मैंने आपको बताई है, जो चीज पे जो चीजें मैं बताई, ये सारी चीजें मैं आपको खुद करवाने की कोशिश करूंगा, और मैं करवाऊंगा, कोशिश तो क्या मैं इतनी करूंगा कि आपको ये सारी चीजें टाइम टू टाइम मिल जाए। अगर मैं आपको अभी इवनिंग में लाइव सेशन लेकर या रिकॉर्डेड सेशन अगर ऑब्जेक्टिव का देता हो, तो आप वो ऑब्जेक्टिव अच्छी तरीके से कर लेंगे आज रात तक, उसके बाद कल सुबह में डिफाइन डिस्टिंग्विश बिटवीन जस्टिफाई केस स्टडीज जो भी मैं कराऊंगा, अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हैं और उसको प्रॉपर तरीके से रिवाइज करते हैं, तो मैं अश्योरिटी देता हूं कि आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में। और हमारा पूरा टारगेट होगा कि भाई पूरा का पूरा आपका उससे अच्छी तरीके से प्रिपेयर होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात सच्ची लगेगी, अच्छी लगेगी, बात पसंद आती तो लाइक करो, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। इसी तरीके के कंटेंट के लिए चैनल पर बने रहे, इसी तरीके का प्यार और सपोर्ट बनाए रखे। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में एक और नए लेक्चर वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।